हे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज है 30th of March 2021 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल शेयर के ऊपर। दोस्तों, इरकॉन की तरफ से एक बहुत बड़ा न्यूज़ सामने आ चुका है। आज ही ऑफिशियली बोनस शेयर का इशू कर दिया गया है। तो दोस्तों, चलिए हम इस वीडियो में हम इरकॉन का बोनस शेयर का पूरा बारीकी से पढ़ेंगे नोटिस। उसके बाद दोस्तों, इरकॉन इंटरनेशनल के अंदर आपका आगे का क्या रणनीति हो सकता है, इसके ऊपर भी पूरा डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये चार चीज़ों को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक एंड आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट बन जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आ चुके हैं इरकॉन इंटरनेशनल द्वारा भेजा गया ऑफिशियली बोनस शेयर की नोटिस के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नोटिस का तारीख है 30th of March 2021। आज की डेट पे दोपहर 12:30 के करीब ये नोटिस पब्लिश हुआ था और उसके बाद इरकॉन इंटरनेशनल की शेयर प्राइस में आग लग गया। ऑलमोस्ट 8% की हमें एक ही मिनट के अंदर हमें 8% की तेज़ी देखने को मिला ये नोटिस बाहर आने के बाद। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम ये नोटिस को बारीक से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इरकॉन इंटरनेशनल का थोड़ा सा फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस पे चलेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने है इरकॉन इंटरनेशनल का जो कि बोनस शेयर का ऑफिशियली नोटिस। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख सकते हो कि इट्स हेयर बाई टू इन्फॉर्म दैट अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग हुआ था ऑफ द कंपनी, इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन मंडे, यानी नेक्स्ट मंडे 5th April 2021 इंटर अलिया टू द कंसिडर द प्रोपोजल ऑफ फॉर इशुएंस ऑफ बोनस शेयर। ये शब्द आप देख सकते हो, बहुत खुश हो गया स्पेशली इरकॉन इंटरनेशनल के शेयर होल्डर। बोनस शेयर इशू होगा 5th April 2021 को, यानी 5th April नेक्स्ट मंडे को आपको पता चलेगा कि कितने रेशियो पे बोनस शेयर देगा, 1:1 या 1:5 या 3:1 ऐसे, वो हमें 5th April को पता चल जाएगा क्या बोनस शेयर का रिकॉर्ड डेट है, क्या बोनस शेयर का एक्स डेट है। तो दोस्तों, फाइनली यहाँ पे जो इसके पहले भी आपको याद होगा था कि इरकॉन इंटरनेशनल के एक बोनस शेयर लेके एक फिर से द पास्ट में मैं बात कर रहा हूँ कि एक बार थोड़ा सा बातचीत चल रहा था, बट उस टाइम पे पूरा का वो जो बोनस शेयर का पूरा डिनाई कर दिया था, कैंसिल हो गया था, बट फाइनली बोनस शेयर दोस्तों अभी शेयर होल्डर को मिलेगा। तो दोस्तों, इसके भी पहले मैं आपको बोल के रखना चाहता हूँ कि बोनस शेयर या डिविडेंड या स्टॉक स्प्लिट, ये सब के चलते आप गलती से भी कोई भी शेयर में निवेश मत करना। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रहना है तभी जाके आप इन्वेस्ट करना। तो दोस्तों, अब हम थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस पे चलेंगे। उसके पहले आपको अगर वीडियो अभी तक अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके एनकरेज करना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने में। तो दोस्तों, देखिए मज़ा की बात ये कि देखिए आज की डेट पे 8% की तेज़ी देखने को मिला, और तेज़ी एकदम सुबह से नहीं था, स्टार्टिंग से नहीं था। यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है, यहाँ पे देखिए 1 बजे उसके ठीक पहले, ठीक 12:30 बजे के आसपास जब ये नोटिस पब्लिश हुआ था, उसके बाद देखिए एक ही मिनट के अंदर शेयर प्राइस 80 रुपये से डायरेक्ट एकदम ऊपर 87 रुपये के ऊपर चला गया था, और उसके बाद देखिए लगातार वही 87-88 रुपये से ट्रेड करता रहा। अगर मैं बात करूँ कुछ टाइम पहले की 1 महीने का चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पे आपको गिरावट नज़र आएगा, क्योंकि आपको याद है भलेवाती कि इरकॉन इंटरनेशनल की शेयर प्राइस में कुछ टाइम पहले OFS भी गवर्नमेंट डिक्लेयर किया था, तो इसके कारण शेयर प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे 90 रुपये के ऊपर चल रहा था उसके पहले। तो अब जो OFS लाया गया था 87 या 88 रुपीस पे, तब शेयर प्राइस वहाँ पे आ गया था एकदम नीचे की तरफ, तो और लगातार मार्केट भी गिर रहा था, तो यहाँ पे शेयर प्राइस में भी लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रहा था, 80 रुपये पे आ गया था शेयर प्राइस। बट अगर देखा जाए कंपनी का रिटर्न्स का प्रोफाइल का, तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं लग रहा है, बट हाँ बहुत पुराना लिस्टिंग कंपनी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 2018 में मार्केट में लिस्ट हुआ था 83 रुपीस में आसपास, कंपनी ठीक ठाक है, बट एक PSU स्टॉक है, ये भी आपको भूलना नहीं चाहिए। अगर आप डिविडेंड देख सकते हो, डिविडेंड यील्ड बहुत ही शानदार है, यहाँ पे आप देखिए 3% के ऊपर डिविडेंड यील्ड है, यानी कंपनी बहुत ही सॉलिड डिविडेंड देता है। इसके पहले भी कुछ दिन पहले भी डिविडेंड दिया था Q3 के रिजल्ट के समय, तो डिविडेंड दोस्तों ये कंपनी बहुत ही शानदार देता है। बट अगर मैं बात करूँ इरकॉन इंटरनेशनल का रिटर्न्स का प्रोफाइल का स्टॉक का, तो मुझे बहुत ज़्यादा कोई अट्रैक्टिव नहीं लगा। 2018 से लेकर 2019-20 हो गया, ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल हो गया, बट इसके शेयर प्राइस में उतना ज़्यादा कोई
बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न मुझे तो नहीं लग रहा है। तो दोस्तों अगर बात करें कंपनी की फंडामेंटल का, तो इटकॉन इंटरनेशनल जो कि रेलवे से जुड़ा हुआ एक कंपनी है और रेलवे के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैंडल करता है, कंस्ट्रक्शन एंड जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ये कंपनी बिलोंग करता है। अगर मैं बात करूँ कंपनी का पी रेशियो का स्टॉक का, तो 11.3 के आसपास आपको नज़र आएगा। आरओसी जो कि काफ़ी बढ़िया है 9.81 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ही शानदार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों ये स्टॉक का जो बुक वैल्यू है वो देखिए 89.1 और आज के डेट पे इसका करंट मार्केट प्राइस 87 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, यानी 1 के भी नीचे है इसका पीवी वैल्यूएशन। अगर बात करें फेस वैल्यू का, तो एक 2 रुपये फेस वैल्यू वाला स्टॉक है। कंपनी का डिविडेंड सॉलिड देता है, 5% के ऊपर इसका डिविडेंड यील्ड है। दोस्तों ये जो बोनस शेयर होता है, स्टॉक स्प्लिट, ये सब उन्हीं शेयर होल्डर को ज़्यादा फायदा मिलता है जो कि एकदम ग्राउंड लेवल पर खरीदारी किया कोई भी स्टॉक के अंदर। मैं इटकॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी स्टॉक के अंदर अगर आप ग्राउंड लेवल पर खरीदारी किया उनके लिए सबसे बेटर ऑप्शन होता है। अगर देखा जाए ये जो सेक्टर में बिलोंग करता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने अभी बोला आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग करता है, तो वो पर्टिकुलर सेक्टर में दोस्तों जो जो स्टॉक्स है, जैसे कि दिलीप बिल्डकॉन सेकंड पोजीशन पे आता है इटकॉन इंटरनेशनल। बट एक चीज़ आपको भूलना नहीं चाहिए, एक स्मॉल कैप शेयर है और साथ में एक पीएसयू स्टॉक, तो थोड़ा सा रिस्क भी है, साथ में बहुत ही स्लो मूवर भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर बात करूँ कंपनी की परफॉर्मेंस का, तो कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे एवरेज लगा, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल ईयर, हर एक फाइनेंशियल में आपको थोड़ा सा आपको वॉलेटाइल भी नज़र आएगा प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर। अगर बात करें सेल्स ग्रोथ का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च 2010 फाइनेंशियल ईयर से लेकर आज तक दोस्तों इसका सेल्स में बहुत ज़्यादा कोई आपको ग्रोथ नहीं नज़र आएगा, बट हाँ ठीक ठाक एक पीएसयू स्टॉक होने के नाते छोटा मोटा आपको ग्रोथ नज़र आएगा। बट बात करूँ अगर मैं कंपनी के रिजर्व का, तो दोस्तों कंपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजर्व है, आपने देखा ही होगा 4,000-4,500 करोड़ की इसका मार्केट कैपिटल है, उनमें से 4,000 करोड़ की आसपास इसके पास रिजर्व बचा है, यानी कंपनी एक पीएसयू स्टॉक यानी गवर्नमेंट होल्डिंग स्टॉक होने के नाते कंपनी के पास भर भर के रिजर्व है। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि अभी तक ये करंट अपडेट नहीं आया, क्योंकि प्रोमोटर होल्डिंग स्टेक और ज़्यादा घट गया क्योंकि जो ओएफएस आया था, तो उसको लेके दोस्तों यहाँ पे ये करंट अपडेट नहीं है शेयर होल्डिंग पैटर्न का। अगर मैं बात करूँ आज की डेट पे कारोबार का, तो दोस्तों आज ह्यूज वॉल्यूम देखने को मिला, क्योंकि अचानक से इतना ज़्यादा स्पाइक कर गया ठीक 12:30 बजे के आसपास, तो मतलब एक ही मिनट के अंदर सीधा सीधा एकदम जहाँ पे एकदम 80 के आसपास ट्रेड करा, तो वहाँ से डायरेक्ट 87 पे पहुँच गया। आज शेयर प्राइस वही नॉर्मल टाइम नॉर्मल डेज की तरह ही ओपन हुआ था, 81 रुपीज़ पे हाई टच किया आज, 88.50 रुपये, लो टच किया देखिए 80.60 रुपये, क्योंकि स्टार्टिंग से इसी पोजीशन पे चल रहा था। देखिए मार्केट बंद हो गया, उसके बाद भी देखिए 17,000 क्वांटिटी के ऊपर शेयर ये मोड़ा लग चुका है। आज की कारोबार भी बहुत ही शानदार देखने को मिला, 1 करोड़ के ऊपर शेयर ट्रेड हुआ है, उनमें डिलीवरी भी देखने को मिला बहुत ही सॉलिड, 33 लाख के करीब डिलीवरी हुआ है, डिलीवरेबल परसेंटेज 32%। मैं अगर बात करूँ करेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एनएससी की वेबसाइट में, होपफुली मिल जाएगा, नहीं एनएससी की वेबसाइट में भी अभी अपडेटेड नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो पुराने शेयर होल्डिंग पैटर्न ही पड़ा है। तो दोस्तों एट द एंड यही बोलूँगा कि देखिए कोई भी कंपनी में या इटकॉन में आप सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर के लिए एंट्री नहीं लेना है, आपको अगर लॉन्ग टर्म मतलब मिनिमम 5 साल के लिए अगर आपको रहना है, तभी जाके आप इसमें निवेश कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों, क्योंकि पैसा आपके है तो फाइनल डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड अप करूंगा, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को एक लाइक करके एनकरेज करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।